मानते तो मन से नहीं है, लेकिन लोगों को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि भेड़ों को चराने के लिए कायदे का भेड़ियारा चाहिए, क्योंकि ये समाज हजारों साल से मनवादी मानसिकता को ढोते 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 इतना गुलाम हो गया है कि हर गलत को ही सही मान रहा है। और जोगी जी नाथ संप्रदाय के संत हैं, नाथ संप्रदाय में मूर्ति पूजा 100% गलत है। अब आदरणीय जोगी जी को प्रधानमंत्री तक की सफर करना है जी, तो मूर्खों के साथ बने रहना पड़ेगा। आज हमारे चैनल पर बहुजनों के मसीहा आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। हमारे चैनल पर सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं कि मैं पाखंडों पे विश्वास नहीं करता हूं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं सर कि लोगों को क्यों वो आकर्षित करते हैं पाखंड की ओर और अपने नहीं मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को और श्रोताओं को, बड़ी अच्छी अच्छी टॉपिक लाते हैं खोज के। दरअसल हमारे बुजुर्गों ने एक मिसाल कहा है जी कि अगर लड़बके के धन रही तो चालाक खेले बिना ना मरी जी। जोगी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक मठ के मठाधीश भी हैं जी, और बहुत बड़े मिस्त्री हैं जोगी जी। मंदिर में घंटा बजा के सीधे मुख्यमंत्री बन जाना इतना सरल समझ रहे हैं जी, क्योंकि ये भारत है और भारत की जनता एकदम भेड़ समान है। भेड़ को देखे है ना, एक भेड़ अगर कुआं में गिरी तो उसके साथ 500 भेड़ गिर जाएंगे, अगर भेड़ यार उनको सहेजेगा नहीं तो जी। तो यहाँ जनता को भेड़ बना दिया गया है। मैं माननीय जोगी जी का आदर करता हूँ, उनके इस शब्द पर मैं सुना था, उस पर फेसबुक पर चल रहा था, मैंने भी देखा जी। एक जोगी जी कहे कि भारत देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और भारत देश महापुरुषों का देश है जी, और भारत देश में पाखंड और ढोंग बड़े पैमाने पर है, ये उसे नहीं मानते जी। लेकिन चूंकि सवाल अब एक लंबा यहाँ है कि उसको नहीं मानेंगे, मानते तो मन से नहीं है, लेकिन लोगों को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि भेड़ों को चराने के लिए कायदे का भेड़ियारा चाहिए जी, क्योंकि ये समाज हजारों साल से मनवादी मानसिकता को ढोते 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 इतना गुलाम हो गया है कि हर गलत को ही सही मान रहा है जी। माननीय आदित्यनाथ जी जानते हैं कि पत्थर की मूर्तियों में कोई दम नहीं है, और जोगी जी नाथ संप्रदाय के संत हैं, नाथ संप्रदाय में मूर्ति पूजा 100% गलत है। ये नाथ संप्रदाय जो है ये बुद्धिज्म से शुरू हुआ है। नाथ संप्रदाय वाले बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की एक शाखा नाथ संप्रदाय जहां मूर्ति और देवी देवताओं की पूजा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पढ़े लिखे चतुर व्यक्ति हैं, वो समझ गए कि भेड़ों को चराने के लिए उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम मूर्ति का विरोध करते हैं, मंदिरों का विरोध करते हैं तो ये समाज भड़क जाएगा। अब आदरणीय जोगी जी को प्रधानमंत्री तक की सफर करना है जी, तो मूर्खों के साथ बने रहना पड़ेगा जी। सर जोगी जी संत है, महापुरुष नहीं है। अगर देवी देवताओं में ताकत होती, देवी देवता ही सर्वमान्य होते, सब कुछ देने वाले होते, तो जोगी जी मठ को छोड़ करके विधानसभा में नहीं जाते जी। सर एक और बीजेपी सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुरक्षा देती है, वो भूतों को अपने मंत्रों से भगाते हैं, और एक और बीजेपी के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं वो पाखंडों को मानते ही नहीं है। देखिए योगी जी का मैं आदर करता हूँ जी, और ये धीरेन्द्र शास्त्री बतवा कि जी डायरेक्ट हनुमान से बात कर रहे जी,
ओके सुरक्षा कौन चीज के चाहिए, उसको खतरा किससे है? हनुमान जी उठाए कि एक ठे पहाड़ लिया कि जो खतरा वाला रही वही के घरों में फेंक दिया जी, वही उनका दुश्मन खत्म हो जाएगा जी। लेकिन ये खुद गधे हैं और लोगों को गधा बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। भारत के संतों ने कभी भारत के मूल निवासियों को न सही सोचने दिया जी, न सही करने दिया और न ही कभी ये सब सही संदेश दिए। ये सारे संत जी प्रवचन करते हैं, प्रवचन में महाभारत की कहानी बताते हैं, प्रवचन में रामायण की कहानी बताते हैं, प्रवचन में शिव पुराण की कहानी बताते हैं जी। लेकिन इस देश के मूल निवासी समाज को कभी ये नहीं बताए कि हमें शिक्षा मंदिरों से मिली, कि हमें शिक्षा विद्यालय से मिली। शिक्षा देने वाले यहाँ के देवी देवता हैं कि शिक्षा हमें स्कूल से मिलती है, आज तक कभी ये सब नहीं बताए। क्योंकि ये सब इस देश में सत्ता में बने रहने के लिए, अपने टैलेंटेड तैयार रखने के लिए, ये कभी इस समाज को शिक्षा की बात नहीं करते, इस समाज को विद्यालय की तरफ की बात नहीं करते जी। इस समाज को ये कहते हैं कि गोबर पूजो, गौमूत्र का सेवन करो स्वस्थ रहोगे, और कांवर ढो मंदिरों में जाके पूजा करो तुम एकदम आईएएस पीसीएस डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस देश के जितने भी प्रवचन करता, चाहे धीरेन्द्र हों, चाहे अनिरुद्ध हों, चाहे देवकी नंदन हों, ये जितने भी बड़े प्रवचन करता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने प्रवचन में इस विषय को क्यों नहीं जोड़ते हो कि प्रवचन कम सुनो, मंदिर में कम जाओ, पूजा कम करो, सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दो। ये कभी कोई संत कहता है? क्योंकि ये संत इस समाज को बर्बाद करने की ठीका इनके पास है। अरे मूर्ख समाज चंदा लगा के बुढ़ा करके बैठ के हाथ जोड़ के उनकी बात सुन करके मुक्ति मांगता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस समाज से कि आप लोग प्रवचन में जाना बंद करो, इनके पाखंड में जाना बंद करो, मंदिर में जाना बंद करो, आप सीधे विद्यालय पकड़ो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ये तर्क था कि जिस दिन हमारे समाज की भीड़ मंदिरों से हट करके विद्यालय की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उस दिन फिर भारत को संभ्रांत भारत बनने से, महान भारत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये समाज, गुबराया समाज, आज तक इस भाषे को नहीं समझ पाया जी। सर इसी में सर जल्द में स्वामी प्रसाद जी मौर्य बोले हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेज देना चाहिए, इससे काफी विवाद हो रहा है सर। जेल, इन सबों को पीट पीट के जेल भेजना चाहिए। ये देश में एकता के सबसे बड़े खतरे हैं। ये जितने संत हैं, सभी संतों की बात करता हूं, कभी कोई संत समानता की बात इस देश में नहीं किया। सारे संत केवल वो बात करते हैं ग्रंथों की जी। अब ग्रंथ क्या कहता है? राम कमाई खैली तो राम पैदा हुए, उनका बाबू धरती खाना तिर उनके बाप के लड़का आज राजा के ना उतरा जी, तो धरती खाना है लगल बहु में से दस अमृत निकल गए। सीता जी खेत जोतात रह बहु में से निकल गई। ये हर समय शुरू से और आज तक ये सब इस देश के लोगों को सत्य से अलग हटा के झूठ की तरफ और पाखंड की तरफ ठेले हैं। मैं तो बार बार चैलेंज करता हूं, जितने भी बड़े धर्मगुरु हैं भारत के, वो सिर्फ एक बात बता दे कि मुंह से खाने वाली चीज आमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी, और वो बताए कि वो कैसे पैदा हुआ है। वो इतना बड़ा धर्मगुरु, शंकराचार्य, यादगुरु, फलाना ढमका, ये इनको कहाँ से डिग्री मिलती है? ये डिग्री के बारे में जानते हैं? यादगुरु, धर्माचार, शंकराचार्य, ये जो समाज को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने में आगे निकल गए, उनको ये डिग्री मिल जाती है। सर इसी में बाबा जी एक डिबेट हो रहा था, उसमें पूछा गया कि वर्ल्ड कप हो रहा था सर बीच में, जल्द में ही तुमसे पूछा गया कि बाबा तो जगत गुरु हैं, इनको सब मालूम रहता है, तुमसे पूछा जाए तो लोग पूछे कि भारत विश्व कप जीतेगा कि नहीं, भारत और पाकिस्तान में से कौन जीतेगा विश्व कप? तो बोले मुस्कुराते हुए कि बाप तो बाप होता है, इंडिया ही जीतेगी, मगर इंडिया हार गई सिर्फ फाइनल। तो बाबा पे कोई टिप्पणी नहीं किया कि बाबा झूठ बोलते हैं? बाबा का एक टिप्पणी करी,
जी बाबा पर टिप्पणी करेंगे तो बाबा की चड्डी उतर जाएगी। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट किया था जी कि विश्व कप मेहनत से मिलेगा, पूजा से नहीं मिलेगा, नहीं पाखंड से नहीं मिलेगा, हवन जाप से नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और खिलाड़ियों को उतना आदर उतना सम्मान उतना टैलेंटी से रखना पड़ेगा। जी भारत में खिलाड़ियों की क्या स्थिति है? इस देश की बेटियां ने, जिन बेटियों ने गोल्ड लाया जी, वो महीना महीना जंतर मंतर पर धरना दे रही है, अपने सम्मान की दुहाई दे रही है। ये सरकार गुंगों की तरह बहरों की तरह सुनी नहीं पाई जी। ऐसे विश्व कप आएगा, विश्व कप के लिए पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा जी। ऑस्ट्रेलिया में बुद्ध माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सोने की मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की लगी है। ये बताएं गधे, भारत के बाबा साहब अम्बेडकर को क्या समझते हैं? कहाँ मूर्ति ये लगवाए हैं? मैं तो आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो मूर्ति बाबा साहब की मेन गेट पर लग गई, मुख्य न्यायाधीश के गेट के सामने जी, और द्रौपदी मुर्मू वहाँ गई हैं, अनावरण की हैं, उद्घाटन की हैं जी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जी, पार्लियामेंट के उद्घाटन में जी, उनको वहां जाने का आदेश नहीं था। ये बदे कि पार्लियामेंट भवनन का जी, पार्लियामेंट भरभंट हो जाएगी जी, मंदिर में अगर चली जाएंगी तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। ये हम लोगों को सिखा रहे हैं, अभी भी इनको पता नहीं है कि ये देश अब बाबा साहब अम्बेडकर का भारत हो गया। यहाँ हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया, विद्वान तर्कवान हो गया। अब आदमी धर्म सनातन और हिंदू नहीं तलाश रहा है जी, तथागत बुद्ध को खोज रहा है। और तथागत बुद्ध के विचारधारा की तरफ अब पूरा भारत एक तरफा से चलना शुरू हो गया। बुद्ध को ही मिटा करके इन लोगों ने इस पाखंड को लादा कि जब बुद्ध नहीं रहेंगे, बुद्ध विचार नहीं रहेगा, तो ये समाज हर समय हमारे पीछे दुम हिलाते दौड़ता रहेगा। क्योंकि ये समाज जिस दिन जान गया, बुद्ध को समझ गया, बुद्ध की विचारधारा को समझ गया, धम्म को समझ गया, तो धम्म वाले इस देश में पूरे ग्रंथों की औकात को समझ गए। धम्म को जानने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, पेरियार हमारे एक नए हुए हैं बुल्लू यादव, उन्होंने जेल बनवा के सारे देवताओं को जेल में कैद कर दिया है जी। और वहां जेलर बन के लाठी लेके बैठे हैं। बुल्लू यादव कहते हैं कि इन देवताओं में जितनी भी देवता आए अपने से निकल के बाहर आए, आया न था, अगर अपने से जेल से बाहर नहीं गए तो हम किसी हालत में इनका पूजा पाठ नहीं होने देंगे जी। सर इसी में सर मेरा क्वेश्चन एक और है कि हमारे देश में बहुत ही बड़ा विडम्बना अभी भी है लोगों में कि लोग तेली और चमार का मुंह देख लेते हैं तो दिन अशुभ माना जाता है। लोग कहते हैं कि अशुभ मेरा दिन हो गया, और सुबह सुबह जैसे उनका चेहरा देख लेते हैं मेरा काम कोई शुभ नहीं होता है, सब अशुभ अशुभ रहता है। कि आपका क्या मानना है? तेली चमार और जितने भी पिछड़े जी, सुबह सुबह में पंडित जी लोग उनका मुंह जब देखा ना तो उनका यात्रा बिगड़ जाए जी। लेकिन इनको मानने वाला सबसे ज्यादा यही तेली और चमार भी है। ये भी बता दूं जी, मेरे यहाँ ज्यादा तो नहीं, 4-5 घर हैं दलित समाज के लोग जी। मैं उधर से बाइक से निकल रहा था तो देखे कि वो सब जन्माष्टमी मना रहे थे जी। मैंने बाइक घुमाया और गया, मैं कहा क्या कर रहे हो जी? कहना कि अमन कन्हैया जी का जन्मदिन मनावत थे। हम कहे कन्हैया जी क्या किए तुम्हारे लिए जी? कला ना ही कर चाहे न कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया जी भगवान न रहना जी। हमने इतना डांटा उन लोगों को, इतना डांटा कि उसी समय उड़ती मूर्ति उठा के वो सब फेंक आए। हम कहे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो रखो, तथागत बुद्ध की रखो, संत रैदास की रखो, जिसके पास ये फोटो ना हो हमारे घर से फोटो लाओ। तो कहत हो कि बाबा भीम के तो अमन जानल जाला और हाई के है, ई का कैल अमन खाती
हम कहने जिस दिन इस बात को समझ जाओगे उस दिन फिर यहाँ कन्हैया की और ब्रह्मा विष्णु की फोटो रखना बंद कर दोगे तुम लोग। तो सत को जानो, इसलिए मैं बार बार इस बात को समाज को कहता हूं कि अगर हिस्सा लेना है, हिस्सेदारी ठोकना है, तो पहले अपने बाप को खोजना पड़ेगा जी। बाप का मतलब कि जो अपना इतिहास है, जो हमारे पुरखे हैं, उन लोगों ने हमें क्या कहा और उन लोगों ने हमें क्या बताकर गए जी। लेकिन ये समाज खाली ही गुंजरन की तरह भाग भाग के वही मूर्तिये में जाता है, वही गोबरे में जाता है, गोबर लुड़िया के गौरी बना के वही के अपन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ये ब्राह्मण जो है देख देख करके मुस्कुराते हैं कि पढ़े लिखे भी गोबर हैं जी। जी सर, आप महिषासुर जी का शहादत दिवस मनाने के लिए बोल रहे थे, उस साल मैं मनाऊंगा तो सही मनाएंगे सर? बिल्कुल मनाऊंगा, महिषासुर का मनाऊंगा, महाराजा रावण का मनाऊंगा और ये हैं अपने हिरण्यकश्यप जी का मनाऊंगा। ये हमारे पुरखे थे जी, यही हमारे राजा थे, हम लोग इनके वंशज हैं जी। और ये जो है हमारे सभी पुरखों को मार मार के इनको खत्म करके ब्राह्मणों ने वहां अपना राजा स्थापित कर लिया, वहां पाखंड पैदा कर दिया और सबके दिमाग में भर दिया कि आपको जो कुछ मिल रहा है लक्ष्मी जी दे रही हैं, शिक्षा मिल रही है तो सरस्वती दे रही हैं, आपका भाग विधाता ब्रह्मा जी हैं, श्री हरि नारायण विष्णु पूरा देश चलाते हैं। यही चीज बता बता के हमारे समाज को एकदम इन लोगों ने भरभंड कर दिया और समाज बेचारा डरा सहमा। आज ये करा हमसे फोन करके कहते हैं कि सर अगर हम मान लीजिए छोड़ देते हैं पूजा पाठ तो कोई अनिष्ट न हो जाए। हम करिए बताओ कि इस देश में जितनी पूजा पाठ करने वाले हैं क्या उनके साथ अनिष्ट नहीं होता है? अनिष्ट क्या होता है? इस जीवन में दो ही सत्य है, तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, चाहे जैसे मरे, एक्सीडेंट से मरे, बीमार होकर मरे, अपनी मौत से मरे, चाहे कि वो कत्ल करे, लेकिन जो धरती पर पैदा हुआ है वो मरेगा, पक्का मरेगा जी। क्योंकि ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत को केवल प्रकृति को मानने वाले लोग मानते हैं कि आज जो चीज है कल नहीं रहेगी, यही है संसार का शाश्वत सत्य जी। लेकिन ये समाज बेचारा के मानक तैयार है ना, जे मर गया पितृ विसर्जन में ओके दुनिया निकाल, अब आके ध दिया मड़ई पर करो कौआ खाइत के कि यह पूर्णिमा जवन मर के गल यही के रूप में खात्म। इंसान से ज्यादा चतुर इस देश में जानवर और पशु पक्षी हैं जी। यहां पढ़े लिखे इंसानों को तो एकदम पशु बना दिया गया है। शिक्षा का अधिकार माता सावित्री बाई फूले ने दिया था इस समाज को जी, ज्योतिबा राव फूले दिए, और ये समाज कभी ज्योतिबा राव फूले को माता सावित्री बाई फूले को जान ही नहीं पाया कि ये लोग कौन थे। ज्योतिबा राव फूले से पहले इस देश में पूर्ण रूप से पायबंद था कि इस देश का पिछड़ा समाज को शिक्षा से इनको हजारों कोस दूर रखो, क्योंकि अगर ये पढ़ना शुरू कर दिए तो ये पाखंड ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इस कहानी को राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले तभी समझ गए, उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़ा, संपत्ति छोड़े, लेकिन आदर करता हूं मैं उस भाई का, उस्मान शेख का, उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख, इस आंदोलन को इनके साथ मिलकर के उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने घर में स्थान दिया रहे और अपनी जमीन दिए जी। तब 1848 में पहला विद्यालय माता सावित्री बाई ने अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित करवाया पूना में कि इस विद्यालय में बेटियां ही पढ़ेंगी, और उसके बाद बेटों के लिए उन्होंने अलग विद्यालय बनाया कि जिस देश में एससी एसटी ओबीसी के लड़के पढ़ेंगे। लेकिन समाज समझ पा रहा है, ये समाज गधों की तरह सरस्वती को लेकर पूज रहा है,
जब बेटियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो सरस्वती किस विद्यालय से पढ़ी थी? सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी थी, और वही के थोड़ी दिन बाद कौन ब्रह्मा के मेहरारू भी रहे। अब क्या है इनके अंदर, हम क्या बताएं बाबू। लेकिन हमारा शुद्ध समाज, भोला भाला समाज बेचारा, जैसे नाली में पानी खोल दीजिए, जाना किसी के खेत में है और जाता किसी के खेत में है, वही गति हमारे समाज की है जी सर। समाज कठोर कभी बनने का प्रयास नहीं किया। इस समाज को देवी देवताओं के नाम पर इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि ये समाज बेचारा डर रहा है कि अभी हम छोड़ दें तो देवी देवता क्या करेंगे। अरे जी, देवी देवता स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जाके देखा कुलहीन थानन पर पूर्वी दैया जितना ही थान हुआ अब तो घेरवा देना को, वो जो जाके जो हलुआ पूड़ी चढ़ेले कुकुर कुल खैबो करो ना, टांग उठा उठा उनके जल अर्पणो करो ना। आई समाज जाए कि वहीं से मुक्ति मांगती है। तो सवाल ये है कि समाज को पढ़ने के साथ विद्वान के साथ तर्कवान बनना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं अपने श्रोता साथियों से कहता हूँ कि आप सुनते हो तो दूसरे को सुनाइए, क्योंकि अगर समाज को तैयार करना है तो सबको लगना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी जो है मैं निभा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं अध्ययन करके बता रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा के इस चीज़ को सिखाइए, इस चीज़ को समझाइए, तब ये समाज हमारा जुटेगा, आने वाला जनरेशन हमारा सुरक्षित होगा। सादर जय भीम, जय नमो बुद्धाय।